माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी मौत का बदला लेने की खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इसी बीच अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की हत्या का बदला लेने के मामले में एक ट्विटर अकाउंट से धमकी भरे ट्वीट किए गए। अब इस मामले में पता चला है कि ये सभी धमकी भरे ट्वीट कश्मीर से किए गए हैं। धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल कश्मीर के पुंछ से ऑपरेट हो रहा है। इस हैंडल का नाम है द सज्जाद मुगल। इस ट्विटर हैंडल से अतीक अशरफ की हत्या के बाद लगातार धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया गया, जिसमें बदला लेने की भी बात की गई। इस ट्विटर अकाउंट से माफिया अतीक और उसके परिवार से जुड़े कई ट्वीट किए गए। इस ट्विटर अकाउंट से अतीक अशरफ की हत्या के बाद 23 दिनों में 23 ट्वीट किए गए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से इतने करीब से लगातार किए जा रहे इन ट्वीट्स के बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। कश्मीर के पुंछ में एक ही ट्विटर हैंडल से 23 दिनों में 23 ट्वीट ने सवाल खड़े किए हैं। इसलिए इस मामले की जांच में धमकी भरे ट्वीट का पाकिस्तानी कनेक्शन खोजा जा रहा है। बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर इस ट्विटर हैंडल से एक धमकी भरा पोस्ट किया गया था। इस ट्वीट में लिखा गया, अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक का ये बेटा अली अभी जिंदा है, इंशाअल्लाह हालात वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। ट्वीट के साथ अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की एक तस्वीर भी अपलोड की गई थी। इस मामले में प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट 2008 की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। साइबर क्राइम थाने की पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि धमकी भरे ट्वीट करने वाले शख्स का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है। जरूरत पड़ने पर साइबर थाने की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ले सकती है। बता दें कि इस ट्विटर हैंडल से अतीक अशरफ केस से जुड़े हुए तमाम लोगों के बयान और वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही मुसलमानों को लेकर तमाम अन्य विवादित पोस्ट भी डाली गई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।